अस्सलाम वालेकुम। आज हम थोड़ा आर्ट वर्क करेंगे। ये बच्चों के रूम में उनकी ओल्ड पेंटिंग्स हैं, उसको मुझे चेंज करना है। बच्चे बड़े हो गए हैं, तो ये एक्रेलिक पेंट है ब्लैक कलर का, बेस इसकी बनाएंगे। ये मैंने थोड़ा सा इसको जो है वो बहुत ही थिक था, उसको ज़रा सा मैंने पानी डाल के उसको पतला कर लिया, और एक कोट मैंने इस पे किया है। इसी तरह आप इस पे करेंगे, और फिर ऊपर कोई, जब ये ड्राई हो जाएगा फिर ऊपर कोई पैटर्न बनाते हैं। अभी मैं इसको करके फिर मैं शुरू करती हूँ। अभी फ़िलहाल, और बहुत इजीली हो जाता है क्योंकि नीचे डार्क कलर था, इसलिए मैंने ब्लैक को चूज़ किया है। वाइट बैकग्राउंड नहीं था, डार्क ब्लू था, तो इसलिए। ये एक कोट हो गया दोनों पे। मैं थोड़ा वेट करूँगी, जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर सेकेंड कोट स्टार्ट करेंगे। वाइट बोर्ड कर दिया हमने, थोड़ा ब्लैक करेंगे। ड्रायर लेके इसको हाई स्पीड पर बनाएं। वाइट में और करती हूँ। ब्लैक थोड़ा होल करके, बस ये तब तक आप इसको पैटर्न करते रहें जब तक कि आपकी अपनी पसंद का नहीं हो जाता, अपनी मर्जी का। जहाँ पे आप मुतमईन हो जाए वहाँ पे छोड़ दें। मुझे अब दोनों को एक साथ हैंग करना होगा, इसलिए मेरी कोशिश यह है कि यह तकरीबन एक जैसी दिखे। मैं इसको थोड़ा ड्राई होने दूंगी, और अभी जब जहाँ पे मुझे, जैसे यहाँ पे है, अब यहाँ पे मैं खुद से भी इस तरह पैटर्न बना सकती हूँ। थोड़े से ये मैंने डॉट्स डाले। अब मैंने ये अपना ब्रश लेके जहाँ जहाँ मुझे चाहिए होगी मैं इस तरह से कुछ अपनी मर्जी से थोड़े पैटर्न बना लूँगी। पेंट ये तकरीबन ख़त्म है, मैं और थोड़ा सा बना के जहाँ जहाँ मुझे चाहिए होगा इस तरह करीब करीब 3-4 डॉट्स मैंने डाले, और फिर मैंने अपना ब्रश लिया, ब्रश लेके और उनको यहाँ से, देखिए पैटर्न्स थोड़ा इस तरह से मैं इसके बीच में दूंगी। लेकिन अभी मैं इसको पहले ड्राई होने देती हूँ, देखती हूँ मुझे किस तरह का जो है वो चाहिए। यहाँ पे साइड पे ये सारा, क्योंकि अभी पोर हुआ है तो उसको मैं ड्राई होने दूंगी। हाँ जी, ये देखिए ये ड्राई हो गई है। एक ये है और दूसरी ये, मुझे तो बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी लग रही है। और गोल्डन जो मैंने सोचा था इसमें ऐड करूँगी वो मैं नहीं ऐड करी, क्योंकि इसी तरह बहुत ही अच्छी लग रही है, और मुझे वॉल पे हैंग भी इसी तरह से करनी है, तो इसलिए मैं इनको
इसी तरह से हैंग करूँगी। इसके अलावा कुछ दिन पहले मैंने ये दो बनाई थी, ये देखें, एक ये है और एक ये भी बहुत इजीली बनती हैं। ये मैंने जो होता है बर्तन धोने के लिए जो स्पॉन्ज सा होता है ना, उसके साथ मैंने ये करा। पहले बैकग्राउंड मैंने वो करके और फिर आगे मैंने उसके साथ इसको बनाया। ये भी बहुत इजीली जल्दी से बन गया था। इन दोनों को भी मैंने हैंग दीवार पे साथ साथ किया हुआ है। इसके अलावा ये जो मैंने कुछ अपने ड्रेसिंग पे या साइड टेबल पे जो रिंग्स के लिए मैंने छोटी छोटी प्लेट्स खुद मैंने बनाई हैं, ये अगर आप इसको लर्न करना चाहें तो ये भी मुझे बताइएगा, ये फिर मैं आपको सिखाऊंगी। ये एक लीफ की तरह से मैंने बनाई है, ये क्ले से मैंने बनाई है, क्ले से बना के और फिर मैंने उसको पेंट किया है। ये हार्ट शेप में बनाई है और ये मुझे इस तरह से एक मार्बल इफेक्ट में एक बनानी थी, और इस तरह मैंने पेपर्स नीचे रख के उसको बेक इस तरह से किया कि वो इस शेप में आए। तो अगर आपने ये सीखनी हो तो कमेंट्स में लिखिएगा, फिर मैं आपको ये भी सिखा दूँगी। बहुत इजीली बन जाती है। और ये मैंने ओरिजिनल जो बाहर से तुलसी के लीव तोड़ के और वो मैंने रख के और इसको शेप दी थी, बनाया था। चलिए, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आई आपको ये वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और मैंने भी देखें फर्स्ट टाइम बनाई है, आप भी बनाएं, कोशिश करें और फिर मुझे बताएं कि अगर आपने ऐसी कोई कोशिश किया तो कैसी रही, कामयाब रही कि नहीं। तो घर को डेकोरेट करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें जो हम घर में अपने फारिग वक्त में बना सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ठीक है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।